जी, द्रौपदी मुर्मू देश के अगले राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और आज के हाथ में गिनती लगातार जारी है और शुरुआत तौर पर ये देखा गया कि साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू अगले राष्ट्रपति होने जा रही है। इस वक्त मौजूद हो दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ ही दिनों में आएंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगे का कार्यक्रम है कि वो यहाँ से विजय जुलूस निकालेंगे और द्रौपदी मुर्मू के आवास तक जाएंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता अभी कुछ ही देर में देख सकते हैं कि पोस्टर लगा हुआ है देश के अभिनंदन नव निर्वाचित पहली राष्ट्रपति श्रीपति जनजाति समाज से भारतीय जनता पार्टी महिला भारी संख्या में राष्ट्रपति बनने वाली है। जश्न का माहौल लगातार जारी है। अभिनंदन में यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरीश खुराना जी हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए बहुत देश के लिए गर्व की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात है कि आज जनजाति समाज से आए हुए एक महिला इस देश की महामहिम होने जा रही है, देश की राष्ट्रपति होने जा रही है, उसकी गर्व के ऊपर आज जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर राष्ट्रपति जी की सम्मान में नड्डा जी आ रहे हैं और उसकी अगुवाई करते हुए हम रोड शो यहाँ से निकालेंगे, संबोधित करेंगे, उसके बाद यहाँ से रोड शो के रूप में अशोक रोड अशोक से रफी बाग होते हुए राजपथ तक ये एक सवाल है सर कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है जब तक द्रौपदी मुर्मू का नाम क्या आज संदेश देंगे लेकर के आ रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, आज क्या संदेश देंगे आप? देखिए विपक्ष को चाहिए था महामहिम जनजाति समाज से जो आई हुई महिला है उनका समर्थन, लेकिन उन्होंने राजनीति वो करी, उसको कुछ नहीं कहना। हमने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से कैंडिडेट आई और आज जिस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है अगली महामहिम होने जा रही है उसकी खुशी है, उसकी गर्व है, हम लोग गर्व है उस चीज के लिए, इसलिए खुशी है, हम खुशी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में बढ़ पड़े हैं अभिनंदन में और कुछ देर में जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे और रोड शो करेंगे।